स्टूडेंट गुड मॉर्निंग. टुडेज वी डू फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर. ओके सो मैंने पहले से ही यहाँ पे भर दिया है आपकी बुक में, है ना. राइट द नेम्स ऑफ थ्री नेचुरल थिंग्स एंड थ्री मैनमेड थिंग्स. हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पे ये करना है कि हमें तीन नेचुरल चीज़ों के बारे में लिखना है और तीन मैनमेड यानी कि आदमी द्वारा बनाई गई चीज़ों को लिखना है. ठीक है, ये रहा नेचुरल थिंग्स सन मून रॉक. और मैनमेड थिंग्स में तीन चीज़ें हैं, बुक ट्रेन और पेंसिल. ठीक है, इनके बजाय आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना. अब शुरू करते हैं हम ए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. करेक्ट वर्ड इसमें क्या करना है, फिल करना है. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. क्या है, सभी एनिमल और जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं, लिविंग थिंग्स है. तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लांट्स. सेकंड, ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल. ये नेचुरल या मैनमेड, तो सभी जो जीवित चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं. तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, नेचुरल. थर्ड, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, है ना. तो जीवित चीज़ों को बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड की और क्लॉथ्स की. तो हमें ज़रूरत होती है फूड्स की. ठीक है, तो हम यहाँ पे फूड फिल करेंगे. बर्ड्स आर लिविंग थिंग्स. बर्ड्स क्या हैं, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, वो लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिविंग भरेंगे. क्वेश्चन नंबर बी पे देखते हैं. टिक द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स का हमें जो फीचर्स क्या करना है, टिक करना है, उनकी विशेषताएं क्या हैं. तो फर्स्ट है दे मूव. हाँ, ये इनकी विशेषता है, तो इसमें क्या करेंगे, टिक करेंगे. दे डू नॉट ब्रीथ, ये हम नहीं फिलअप करेंगे क्योंकि वो सांस लेते हैं और यहाँ पे लिखा है कि सांस नहीं लेते. दे ग्रो, वो बढ़ते हैं. हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं, ठीक है. देन दे डू नॉट नीड वाटर, यहाँ पे लिखा है कि उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसा नहीं है. हर लिविंग थिंग्स को क्या होती है, वाटर की नीड होती है. तो ये हमारा नहीं होगा, तो इस बॉक्स को हम नहीं भरेंगे. They do not eat, वो खाते नहीं हैं. तो ऐसा तो नहीं हो सकता, सारी जो लिविंग थिंग्स है वो कुछ ना कुछ खाते हैं. तो इस बॉक्स को भी हम क्या छोड़ेंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे. They feel, क्या वे महसूस करते हैं, हाँ वे महसूस करते हैं सर्दी जाड़ा गर्मी बरसात, है ना. ये बॉक्स के आगे क्या लिखा है, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते यानी कि अपनी तरफ बच्चे नहीं पैदा करते. तो ये भी गलत है क्योंकि हर जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. तो इसे भी हम क्या खाली छोड़ देंगे इस बॉक्स को. एंड देन लास्ट, दे नीड एयर, हाँ उन्हें हवा की ज़रूरत होती है. तो इसे हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट T for true and A for false statements. हमें सही और गलत जो स्टेटमेंट है उसके आगे ट्रू और फॉल्स मारना है. ठीक है, यहाँ पे हमने पहले से ही लगा दिया है, बस आपको समझाना भर है. सन इज अ लिविंग थिंग्स, फॉल्स है क्योंकि सन में क्या है, जीवन नहीं है, है ना, इसलिए ये लिविंग थिंग नहीं है. सेकेंड, ट्री आर नेचुरल थिंग्स, बिल्कुल ट्री एक नेचुरल थिंग्स है क्योंकि वो क्या करता है, ग्रो करता है. थर्ड, लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, फॉल्स है क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, चलती हैं या बढ़ती हैं. तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, है ना. वो चल सकती हैं और यहाँ पे लिखा है कि वो नहीं चल सकती. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो सांस नहीं ले सकते. तो ये क्या है, ट्रू है बिल्कुल, जिसमें जीवन नहीं है वो सांस नहीं लेता है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
और वो है क्वेश्चन नंबर डी, राइट द नेम ऑफ फोर नॉन लिविंग थिंग्स इन योर क्लासरूम। ठीक है, अपने क्लासरूम से कोई चार निर्जीव चीज़ों के नाम यहाँ पे लिखो। तो आपने क्या देखा है क्लासरूम में, डस्टर फर्स्ट, सेकंड हो गया चेयर, तीसरा है व्हाइट बोर्ड एंड फोर्थ इज मार्कर। ठीक है, ये क्या है, सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब यहाँ पे है डिस्कस इन क्लास, वी नो दैट एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, इज इट राइट टू ट्रबल देम। वी नो दैट एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, हम जानते हैं कि जो सभी जो जानवर होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, इज इट राइट टू ट्रबल देम, क्या इससे उन्हें कोई परेशानी होती है। गिव रीजंस, यहाँ पे क्या करना है आपको, कारण बताने हैं। तो इसे आप क्लास में डिस्कस करेंगे। फन विद डेवी, लुक एट द पिक्चर्स गिवेन बिलो, ये पिक्चर जो दिए गए हैं नीचे उसे देखिए। राइट एन फॉर नेचुरल थिंग्स एंड एम फॉर मैन मेड थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ही क्या कर दिया है, मार्किंग कर दी है। कंप्यूटर है तो देखिए मैन मेड है, क्लाउड्स हैं तो ये देखिए नॉन लिविंग्स हैं यानी कि नेचुरल है तो ये एन से, टीवी है तो ये मैन मेड है, ये देखिए वॉल्केनो है तो ये क्या है, नेचुरल है। इसी तरह एप्पल है, माउस है ना, ये है सब हमने मार्क कर दिया है। आप देखिए अच्छे से, अब देखिए डेविज वेब चार्ट, ये डेविज का देखिए ये वेब चार्ट है, आप देख रहे हैं। थिंग्स अराउंड अस यानी कि वो चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं, तो वो कौन सी, सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो है लिविंग चीज़ें हैं यानी कि जीवित चीज़ें और दूसरी है नॉन लिविंग, ठीक है, यानी कि निर्जीव चीज़ें। तो हम इन्हीं दो चीज़ों से क्या हैं, घिरे हुए हैं। तो लिविंग थिंग्स में हमारे चारों क्या हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे आसपास चेयर और वुड हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन दिस चैप्टर इज कम्प्लीट हियर, दिस एक्सरसाइज कम्प्लीट हियर, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।